प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष की कक्षा में आज हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत लेंगे। जो राज्य की उत्पत्ति के हमने पूर्व में सामाजिक समझौता सिद्धांत देखा, अन्य भी अनेक सिद्धांत हैं, लेकिन ये सब मानते हैं कि राज्य का जन्म हुआ। अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म किसी समय विशेष की घटना होती है, जबकि विकास एक निरंतरता के साथ होता है। और आधुनिक राजनीतिक विद्वानों का निष्कर्ष है कि राज्य का जन्म नहीं हुआ है, राज्य विकास का परिणाम है। राज्य का विकास की तुलना हम नदी से कर सकते हैं। किसी भी नदी का निर्माण अनेक धाराओं से मिलकर होता है और नदी निरंतर दूरी के साथ प्रवाहित होती है। उसी प्रकार इतिहास में भी राज्य का विकास नदी के प्रवाह की तरह रहा है। तो राज्य के विकास में जिन अनेक तत्वों का योगदान है, उसमें प्रथम मूल सामाजिक प्रवृत्ति है, अर्थात एकता की प्रवृत्ति, एक झुंड बनाकर रहने की प्रवृत्ति, जिसको हम गांव या शहर की संज्ञा दे सकते हैं। ये हमारी मूल सामाजिक प्रवृत्ति है। प्रमुख विद्वान अरस्तु का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो कोई समाज से अलग रहता है वो या तो देवता हो सकता है या पशु हो सकता है। इसी एकता की शक्ति के बल पर हम सामान्य जीवों की श्रेणी से निकलकर विकास की अवस्था में पहुंचे हैं। और ये पक्ष राज्य के विकास में भी सहायक रहा है। राज्य के विकास में दूसरा पक्ष रक्त संबंध है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में एक सिद्धांत परिवार सिद्धांत भी माना जाता है। इसे मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक सिद्धांत के रूप में विभाजित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर विकासवादी सिद्धांत में इसे एक भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात राज्य के विकास में अन्य तत्वों के साथ जो परिवार का पक्ष है, रक्त संबंध, उनका भी योगदान होता है। और इसमें रक्त संबंधों का योगदान है। परिवार रक्त संबंधों के आधार पर संचालित होते हैं। परिवार से कुल बनते हैं, कुल से कबीले बनते हैं। और राज्य के आदेशों का पालन, राज्य की व्यवस्थाओं के संचालन में इन कुल और कबीलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतः ये राज्य के विकास के एक सहायक तत्व हैं। इसके पश्चात धर्म का पक्ष आता है। राज्य के विकास में जहाँ धर्म की बात लें तो दैवी उत्पत्ति सिद्धांत राज्य का विकास केवल धर्म से जोड़ता है। यदि हम धर्म के एक पक्ष को लें, विराज राजा राज धर्म का पालन करते हुए शासन करेगा, अर्थात धर्म पूर्वक शासन करेगा और सभी के भलाई की भावना के आधार पर शासन करेगा, ये एक मूल प्रवृत्ति थी। लेकिन दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का जो विश्वास था, उसके कारण हजारों सालों तक राजतंत्र रहा। अत्याचार भी करते राजा, शासक अत्याचार भी करते, लेकिन फिर भी लोग उसे स्वीकार करते। वे धर्म
समझकर इसे गलत बातों को भी स्वीकार करते, लेकिन ये तथ्य है कि राज्य के विकास में, राज्य के आदेशों के पालन में धर्म की भी भूमिका रही। इसके पश्चात शक्ति का पक्ष आता है। शक्ति राज्य के विकास का आधार है। आधुनिक समय में शक्ति के बिना राज्य का संचालन नहीं हो सकता, लेकिन इतिहास में ये शक्ति धीरे धीरे विकसित होती आई है। इतिहास की एक अवस्था थी जब मनुष्य ने लाठी और पत्थर का प्रयोग करता, लेकिन धीरे धीरे धनुष और का प्रयोग करता, फिर तलवार आई, बंदूक आई, तोप आई, टैंक आए, हवाई जहाज आई, ये शक्ति का विस्तार है। इनके साथ साथ राज्य की क्षमताएं भी बढ़ती गई और आज का जो अत्यधिक शक्तिशाली संपन्न राज्य है उसमें शक्ति का बड़ा योगदान है। इतिहास में हम राज्य को तीन अवस्थाओं में बांट सकते हैं। एक अवस्था यूनानी साम्राज्य के समय थी, उस समय नगर राज्य थे। नगर राज्यों का आकार आज के गांव के बराबर होगा। उस समय यूनान में लगभग 400 से ज़्यादा नगर राज्य थे और ये छोटे राज्य इसलिए थे कि उस समय राज्य की जो शक्ति थी वो सीमित थी। आगे चलकर मध्यकाल में सामंती राज्य आए जो कि नगर राज्यों से बड़े होते थे, लेकिन बहुत आधुनिक राज्यों की तुलना में उतने बड़े नहीं थे। क्योंकि शक्ति का विस्तार हुआ तो राज्यों का आकार भी बढ़ा और आज जब वैज्ञानिक प्रगति के युग में शक्ति का बहुत तेज विस्तार हुआ है तो हम विशाल राष्ट्रीय राज्य देखते हैं। तो अतः राज्य के विकास में न केवल शक्ति रहा है बल्कि आधुनिक समय में शक्ति राज्य का एक प्रमुख आधार है और राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी इस उद्देश्य से है कि शक्ति को निरंकुशता और अत्याचार की दिशा में न बढ़ने दिया जाए। तो राज्य पर शक्ति के पक्ष के पश्चात हम आर्थिक गतिविधियों को लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों में संपत्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक समय था जब संपत्ति नहीं होती थी, जब संपत्ति नहीं थी तो तेरे मेरे की भावना भी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे संपत्ति का विकास होता गया, राज्य की आवश्यकता बढ़ती गई, संपत्ति की सुरक्षा की आवश्यकता थी। संपत्ति की सुरक्षा राज्य के द्वारा ही संभव थी और जो व्यापार वाणिज्य है उसका संरक्षण, उसका संचालन भी राज्य के संरक्षण में संभव होता है और इसके संरक्षण के बदले में वे टैक्स देते हैं, धन देते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं। जो आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक सहयोग राज्य को दिया गया उस वह भी राज्य के विकास में एक प्रमुख सहायक तत्व रहा। और अंत में राजनीतिक चेतना, राजनीतिक चेतना का तात्पर्य है व्यक्ति समाज और सामूहिक हितों के प्रति जागरूक हो, उनका संस्थागत विकास करे। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, चेतना बढ़ी, मानव की क्षमताओं का विस्तार हुआ और इसी विस्तार के वातावरण में हम लोकतंत्र को चलता हुआ देखते हैं। केवल लोकतंत्र देश के अंदर ही नहीं चलता बल्कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे
विवादों को युद्धों के माध्यम से निपटाने के स्थान पर टेबल पर निपटाएं, ये राजनीतिक चेतना है और संयुक्त राष्ट्र संघ से इसका विकास हम देखते हैं। और इसी क्रम में राजनीतिक चेतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अंत में कहा जा सकता है कि राज्य विकास का परिणाम नहीं, विकास का परिणाम है, ये कोई समय विशेष की घटना नहीं है। जहां राज्य की उत्पत्ति के अधिकांश सिद्धांत जन्म को मानते हैं, विकासवादी सिद्धांत राज्य को विकास का परिणाम मानते हैं, यही सर्वाधिक उचित तथ्य है और यही हमारी राजनीतिक अध्ययन की केंद्र वस्तु या केंद्रीय संस्था को समझने में सहायता करता है। धन्यवाद।